नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। बात करेंगे इंडिया की, इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन की, जिसमें वर्तमान में 28 दल शामिल हैं और संभावनाएं हैं कि और भी दल अभी शामिल हो सकते हैं। और इस समय विपक्षी एकता की पूरी ताल भी ठोकी जा रही है। सभी बाराती बारात लेकर चलने को तैयार हैं, भले ही अभी तक दूल्हे का पता ना चला हो। और आपने सुना भी होगा कि बारात में फूफा के रूठने का भी रिवाज है, लेकिन यह तो फूफाओं ने पहले ही रूठना शुरू कर दिया है। अब उन्हें मनाने वाला कौन है, उनका भी कुछ पता नहीं है। अब मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल G20 समिट के दौरान 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा था, जिसमें विदेशी मेहमान तो थे ही, साथ ही देश के राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया था। अब इसमें बहुत सारे राज्यों के सीएम आए भी नहीं। किसी ने कहा कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को नहीं बुलाया, इसलिए वो नहीं गए। किसी ने कुछ कहा, सबके अलग अलग विचार थे। अब इस डिनर पार्टी पर जबरदस्त सियासत हो रही है। इस डिनर पार्टी में देश के सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था ताकि वो इसमें शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाएं, लेकिन अब इस पर जमकर सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस भोज में शामिल होने पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी की मुखिया के इस कार्यक्रम में भाग लेने का क्या कारण था। कांग्रेस नेता के इस बयान पर टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में हमें कोई ना सिखाए, क्योंकि हम अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। अब मामले की गंभीरता को समझते हैं। ममता बनर्जी के रात्रि भोज में शामिल होने पर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मुझे आश्चर्य है कि किस बात ने उन्हें रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया। क्या उनके इस अवसर पर शामिल होने के पीछे कोई और कारण है? दरअसल ममता बनर्जी को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखा गया था। रात्रि भोज में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है। अब अधीर रंजन चौधरी के बयान से तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि इस घटना से इंडिया अलायंस कमजोर हो सकता है और पार्टी के नेताओं में नाराजगी भी बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर टीएमसी ने भी पलटवार किया है। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी विपक्षी एकता के सूत्रधारों में से एक हैं और उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। सेन ने चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अधीर ये तय नहीं करेंगे कि राज्य की मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत G20 के अवसर पर रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कब जाएंगी। अब क्या यह राजनीतिक बयानबाजी की शुरुआत हो गई है और क्या यह बीजेपी इसमें अवसर तलाशेगी? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।